पूरे देश में जहां एक ओर लॉकडाउन का असर देखा जा रहा है, वहीं कुछ लोग जो बाहर काम करने गए थे वो भी अभी फंसे हुए हैं, जो कि प्राइवेट कंपनियों में काम करते हैं। ऐसे लोगों को कंपनी ने बाहर कर दिया है और उन्हें भूखमरी की स्थिति में छोड़ दिया है। यह युवक अगियांव भोजपुर का रहने वाला है, जो कि जिसका नाम है रवि कुमार चौधरी, पिता नंदजीत चौधरी, जो जामनगर गुजरात में रोजगार के लिए गया हुआ था, जहां कोरोना वायरस के बाद कंपनी ने इसे बाहर निकाल दिया है। युवक ने प्रधानमंत्री से अपील किया है कि एक दो कम से कम ट्रेन चलाया जाए, ताकि जो लोग जहां फंसे हैं उनको उनके घर पहुंचा दिया जाए, पूरी तरीके से जांच करने के बाद ही घर छोड़ा जाए। युवक ने यह भी कहा कि यदि कोरोना से वो मरे या ना मरे, लेकिन भूखे पेट जरूर मर जाएगा। उसने हाथ जोड़कर प्रधानमंत्री से अपील किया है, यह भोजपुर का अगियांव का रहने वाला रवि कुमार चौधरी है। ये तस्वीरें हैं रवि कुमार चौधरी की, जो गुजरात के जामनगर में लॉकडाउन के बाद फंसा हुआ है। कंपनी में काम करने के लिए बिहार के बहुत युवक बाहर में गए हुए हैं और फंसे हुए हैं। नमस्कार भाइयों, अभी कोरोना वायरस के लेकर अभी बहुत महामारी चल रही है, जिसके कारण से हम लोग भी परदेश में आकर फंसे हुए हैं। मैं अभी जामनगर में रहता हूँ, मेरा नाम रवि कुमार पटेल है और अभी लॉकडाउन शुरू हो गया है। मैं ये आप लोगों से निवेदन करूँगा, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से, कि आप सप्ताह में एक ट्रेन चलने देते, इसलिए हम लोगों को भी कुछ लाभदायक होता कि कोरोना वायरस से हम लोग रूम पर बैठकर बहुत प्रॉब्लम और परेशानी में हैं। हम लोगों ने आया था इधर काम करने, लेकिन कोरोना वायरस से हम लोग भी परेशान हो गए हैं, तो आप कंपनी भी हम लोगों को फाइनल देकर निकाल दिया है, जिसके कारण से हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं। जिस अनुसार से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, हम यही बोलेंगे कि आपको अगर लॉकडाउन करना ही है तो कीजिए, उसमें आपको सहमत हो, लेकिन उन आदमियों को सोचिए जिन आदमियों को 15 दिन से या घर पर बैठा है रूम पर आकर, और वो काम भी उसका रूम से फाइनल हो गया है कंपनी से भी, और 21 दिन इस महीने में भी रुकना है, तो बताइए उसका खर्चा कैसे रहेगा अपने रूम में, उन लोगों को खुराक ही देना पड़ेगा। और मानकर चलिए कि अगर ये 21 दिन में ये कोरोना वायरस का नहीं ख़त्म होगा तो फिर अपडेट बढ़ाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे। इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूँगा, निरोध करूँगा कि आप ये लॉकडाउन के लिए कुछ भी कर कर्मचारी बढ़ाइए रेल यात्रियों पर, चेक कराइए, हो सके तो जितना यात्रियों भाई है उनको चेक कराइए, जिसको कोरोना वायरस के पॉजिटिव बता रहा है उसको रोक दीजिए, बेड आउट जो आदमी अभी सही है उसको घर पर जाने के लिए अनुमति दे, ताकि इधर बैठकर आदमी परेशान हो गया है, बैठे बैठे रूम में कुछ सुझाव नहीं है, नहीं हम लोगों के पास खर्चा है, नहीं हम लोगों के पास कुछ पैसा है, तो बताइए, कोरोना वायरस तो पहले हम लोगों को मारने से पहले हम खुद भूखे ही मर जाएंगे। इसीलिए मैं आपसे निरोध करूँगा कि इस कोरोना वायरस से आप छुटकारा दें।